हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप मार्वल स्टूडियो के फैन हैं तो आपने उसकी कई सारी मूवीज देखी होंगी और उसमें आपको कई सुपर हीरो पसंद भी होंगे। तो आज हम मार्वल की टॉप 7 बेस्ट वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको मार्वल की हर मूवी की तरह ही एक्शन और फैंटेसी देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पर। नंबर 7 पर है मिस मार्वल, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। कमला खान, जो एक पाकिस्तानी फैमिली से बिलोंग करती है और न्यू जर्सी में रहती है। कमला खान मार्वल को काफी पसंद करती है और स्पेशली कैप्टन मार्वल को। लेकिन वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पर उसे बहुत आजादी नहीं थी, यानी उसे ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बाहर लड़कों के साथ ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, ये सब। लेकिन कमला अपने ख्यालों में खोई रहती है और ऐसे में उसको एक ब्रेसलेट मिलता है और उसके बाद उसकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आता है। अब वो ब्रेसलेट कहाँ से आया और उसका क्या राज है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है आयरन फिस्ट, जो 2017 में आई थी। इसके अब तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं। डैनी रियन, जो एक प्लेन क्रैश में जिंदा बच जाता है और सबको यही लग रहा होता है कि वो मारा गया है, लेकिन वो उस हादसे के 15 साल बाद फिर न्यूयॉर्क शहर में आता है। अब उसे ये साबित करना होता है कि वही असली डैनी रियन है और उसके साथ उसे सामना करना पड़ता है एक हैंड का एज अ आयरन फिस्ट। अब ये हैंड क्या है आयरन फिस्ट और क्या डैनी अपने आप को साबित कर पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2015 में रिलीज हुई लुक केज, जिसके अब तक 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। लुक केज नाम के एक इंसान पर एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके कारण उसमें सुपर पावर आ जाती है, जिसमें उसकी बॉडी अनब्रेकेबल बन जाती है और वो एक बुलेट प्रूफ मैन बन जाता है। लेकिन वो अपनी इन एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है और शांति से अपनी लाइफ को जीना चाहता है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे न चाहते हुए भी अपनी इन पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है और लोगों को बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। इस सीरीज को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है मून नाइट। सीरीज की कहानी स्टीव ग्रांट नाम के एक आदमी से शुरू होती है, जो एक म्यूजियम में गिफ्ट शॉप में काम करता है। स्टीव को पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा होता है कि वो जब नींद से उठता है तो वो एक अलग ही जगह पर होता है, जिसके बाद वो अपने आप को बेड से बांध देता है और बिस्तर के आसपास रेत बिछा देता है ताकि उसे पता चले कि वो नींद में जगा था या नहीं। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक देवता की शक्ति है जिसे मून नाइट कहते हैं। अब ये देवता की शक्ति स्टीव ग्रांट के अंदर कैसे आती है और उसका क्या राज है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है लॉकी, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। लॉकी की कहानी शुरू होती है एवेंजर में दिखाए गए इंसिडेंट के साथ, जहां पर लॉकी 2012 में टेसरेक्ट चुरा कर गायब हो जाता है। लेकिन वहां पर किसी को नहीं पता होता है कि वो लॉकी कहां गायब हो गया। इसके बाद लॉकी मंगोलिया में मौजूद गोबी रेगिस्तान में मिलता है, जहां पर उसे TVA यानी टाइम वेरियंस अथॉरिटीज वाले पकड़ लेते हैं, जो टाइम से छेड़छाड़ करने वाले लोगों को पकड़ते हैं ताकि भविष्य की घटनाएं और अतीत अपने सही क्रम में रहे। लॉकी को वो लोग TVA के मुख्यालय में ले जाते हैं। इसके बाद आगे लॉकी के साथ क्या क्या होता है वो तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। इसको IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 पर है 2017 में रिलीज हुई पनिशर, जिसके 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। फ्रैंक कासल यानी पनिशर के कैरेक्टर को डेडेविल के सीजन 2 में दिखाया गया था और इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था। फ्रैंक कासल की फैमिली को बड़े ब्रूटल तरीके से मार दिया जाता है और वो अपनी फैमिली का बदला लेता है, जिसके बाद वो अकेला हो जाता है और अपनी लाइफ को फ्लैशबैक में जी रहा होता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद एक फोन कॉल आता है और फिर से वो पनिशर बन जाता है। अब उस फोन कॉल में ऐसा क्या था जिसे वो फिर से पनिशर बना, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इसे IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 पर है 2015 में रिलीज हुई डेडेविल, जिसके अब तक 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं। मैट मर्डॉक, जिसके बचपन में एक एक्सीडेंट होता है और वो अपनी आंखें खो देता है, लेकिन उसके ह्यूमन सेंसेस बढ़ जाते हैं, जिससे उसे आसपास और दूर क्या चल रहा है ये पता चल जाता है। मैट मर्डॉक एक लॉयर है और उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन रात में वो अपने सुपर सेंसेस का यूज करके अपने शहर में चल रहे क्राइम और क्रिमिनल को पकड़ता है। इसमें विलन के पास भी कोई सुपर पावर दिखाई नहीं गई है, लेकिन उसे भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। इसे IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।